बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं इस वक्त की। हाथरस के डीएम भी सवालों के घेरे में, प्रशासन पर पीड़ित परिवार को बंधक बनाने का आरोप है। मृतका के चचेरे भाई ने सीधे सीधे पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया है कि बाकायदा पीड़िता के परिवार को बंधक बना लिया गया है, उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए, उन्हें किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। भैया आप कौन है? लड़की के भाई, यहाँ आपके घर क्या हो रहा है? आपके घर क्या चीजें हो रही है? जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रही बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया। आप भाभी बात, माँ बात करना चाहती है मीडिया से, तो पुलिस निकल नहीं दे रही? क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या, कहाँ, कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। तुम खेत के बगल में थे उस वक्त? फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी? इनको डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, पहले किसी को बुला नहीं। सबके साथ फोन ले लिया क्या? तो क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? मानियों कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो, कैसे आने दिया? खेतों में आए हैं, छुपके नहीं। हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के। पुलिस डरा रही है, धमकी दे रही है, उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा, उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? किसको मारा? ताऊ को मारा। कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ, ताऊ बेहोश हो गए थे। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनके छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गए थे ना। कमरे में बंद भी किया था? हाँ, कमरे में बंद कर दिया था सबको।